नमस्कार, स्वागत है आपका जेजेएन न्यूज में और मैं हूं आपके साथ भूमि। हल्द्वानी के महिला डिग्री कॉलेज को एजुकेशन बनाए जाने के विरोध में छात्र नेताओं ने आज तहसीलदार के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा और कहा कि महिला डिग्री कॉलेज के साथ किसी प्रकार की छेड़खानी ना की जाए, इस महाविद्यालय में केवल छात्राओं को ही प्रवेश दिया जाए ताकि कुमाऊं और अन्य जगहों से आने वाली छात्राओं को प्रवेश मिल सके जो महिला महाविद्यालय में ही रहकर कोर्स पूरा करना चाहती हैं। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि यदि यहाँ को एजुकेशन लागू कर दिया जाएगा तो इसका हाल भी MBPG डिग्री कॉलेज के जैसा ही हो जाएगा और पढ़ाई का माहौल खराब हो जाएगा। इस बारे में बात करते हुए छात्र नेता मीमांसा आर्या ने कहा कि इस महाविद्यालय को किसी भी हाल में को एजुकेशन के अंतर्गत शामिल नहीं होने दिया जाएगा। छात्राएं सुरक्षित माहौल में पढ़ना चाहती हैं और अगर ऐसा है तो पढ़ाई का माहौल तो खराब होगा ही, साथ में कॉलेज राजनीति की भेंट चढ़ जाएगा। कई छात्राएं दूर दराज के इलाकों से इसी वजह से यहां प्रवेश लेने आती हैं ताकि वो छात्राओं के बीच रहकर ही पढ़ाई कर सके और उन्हें ये परिवेश पसंद आता है। आज हल्द्वानी स्थित एक महिला डिग्री कॉलेज है, उसकी कुछ छात्राओं द्वारा एक ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री जी को संबोधित किया गया है। उनका ये कहना है कि इस कॉलेज को पोएट किए जाने का कोई प्रस्ताव शासन स्तर पर विचाराधीन है, जिसका वो विरोध कर रहे हैं तथा वो ये चाहते हैं कि इस कॉलेज को कोएड न किया जाए तथा यथा स्थिति में रखा जाए और महिलाओं के लिए ही इस कॉलेज को बनाया रखा जाए। छात्र महिला डिग्री कॉलेज है जो हल्द्वानी में उपस्थित है, उसको शासन में एक प्रस्ताव चल रहा है कि उसको को एजुकेशन में तब्दील करने की मांग चल रही है और उसके लिए शायद डायरेक्टरेट में भी और डायरेक्टरेट से कॉलेज में भी पूछताछ की गई है कि इसको कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो अगर ये विचार चल रहा है तो आगे ये ना हो हम चाहते हैं, क्योंकि एक ही मात्र महिला डिग्री कॉलेज है, उसमें बहुत ही अच्छा एकेडमिक माहौल है और काफ़ी परिवार और माता पिता चाहते हैं कि उनके बच्चा एक सुरक्षित और अच्छे माहौल में पढ़े, तो जैसा उसका माहौल हम चाहते हैं कि वो महिला डिग्री कॉलेज ही रहे और उसको आगे को एजुकेशन में तब्दील ना किया जाए। मैं आपको ये बता दूं कि ये जो महिला महाविद्यालय बना है उसका मूल उद्देश्य ये था कि यहाँ पे सिर्फ छात्राएं बहनें आए, और अगर कोई भी छात्राएं बहनें यहाँ पे जो एडमिशन लेती हैं उनके माता पिता निसंकोच भाव से इसलिए उन्हें यहाँ पे भेजते क्योंकि ये महिला महाविद्यालय। यदि अगर कोई बच्चा ऐसे में बॉयज़ के साथ या फिर उनको पढ़ने में ऐसे कोई आपत्ति नहीं है तो सेम यहीं पर MBBG हमारे पास महाविद्यालय है, वो बच्चा वहाँ भी जा सकता है। लेकिन इस महिला महाविद्यालय में जितनी भी छात्राएं हैं उनके माता पिता सिर्फ और सिर्फ अपने यही सोच के भेजते कि ये सिर्फ और सिर्फ महिला महाविद्यालय, उनको कोई भी किसी भी प्रकार की सेफ्टी कंसर्न या कुछ भी ऐसी समस्या नहीं होती। और दूसरा जो मेरा विषय ये है कि जो सरकार अगर इनिशिएटिव लेना चाह रही है हमारे महाविद्यालय में कोर्सेज खोलने को लेके, तो कोर्सेज खोलने को लेके हमारा बिल्कुल उसमें वेलकम है सरकार को कि कोर्सेज खोले जिन कोर्सेज की हमें मांग है। पूरी छात्राएं ये चाहती हैं कि हमारे पास MA हिस्ट्री, MA पॉलिटिकल, ये दोनों जो मेन सब्जेक्ट है वो हमें हमारे महाविद्यालय के दोनों कोर्सेज की ज़रूरत है और इसको सरकार खोले। जिन विषयों पे हमें ज़रूरत है सरकार उन मुद्दों पे काम नहीं करती, और जिन पे सरकार को नहीं करना चाहिए उन मुद्दों पे अगर छेड़छाड़ करिए तो कहीं ना कहीं वो एक विरोध का विषय है। और यहाँ पे मैं ये भी बोलना चाहूँगी कि एज ए स्टूडेंट लीडर मैं अपनी तरफ से भी और समस्त महिला महाविद्यालय की ओर से भी इस विषय को लेके पूरे विरोध में हूँ कि हमारा महिला महाविद्यालय जिस मूल उद्देश्य से बना था वो आगे भी इसी मूल उद्देश्य पे और उन्हीं आधारित चीज़ों पे चलते रहे। अभी के लिए बस इतना ही, ऐसी तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए जेजेएन न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।